तो यहाँ हो रहा है मेरा अष्टमी के लिए प्रसाद तैयार। चने तो मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं और अब तैयारी हो रही है सूजी के हलवे की। तो यहाँ मैंने सूजी निकाल ली है और आटा भी मैंने गूंद लिया है। बस फटाफट सूजी बना के ना, सूजी बना के कह रही हूँ, हलवा बना के पूड़ियाँ बनाना शुरू करूँगी। चैनल होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है अष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके परिवार को सुख समृद्धि स्वास्थ्य दे और हम सब की गलतियों को हमें अबोध अज्ञान समझ के क्षमा करें। तो बस पूजा हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रसाद भी बन गया है। मैंने कंजकों के लिए भी प्रसाद अलग से निकाल के रख दिया है। अब जैसे यशवंत की मीटिंग चल रही है ना एक्चुअली सामने वाले रूम में, तो जैसे उनकी मीटिंग फ्री होगी हम लोग प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने निकल पड़ेंगे। कहाँ निकल पड़ेंगे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट ईयर की वीडियो में भी बताया था कि मैं घर पे कन्याओं को नहीं बुलाती हूँ। सड़क किनारे जितने भी जो बच्चे आपने देखा ही होगा, रेड लाइट पे जितने भी बच्चे बैठे होते हैं, बच्चियां बैठी होती है, उनको मैं प्रसाद देना प्रेफर करती हूँ। तो बस अभी वही करने हम निकलेंगे और लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रसाद की थालियाँ रेडी कर दी हैं। बस यशवंत अभी ना नारियल को खोलेंगे, फिर नारियल भी इस पे मैं डाल दूंगी और बस इसको फटाफट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। कितनी तेज वॉल्यूम किया हुआ जीनो, वॉल्यूम कम करो। और तुमने प्रसाद नहीं खाया, क्यों कैसा है यार ये लड़का, कुछ खाने को राजी नहीं है। वॉल्यूम कम करो बेटा, भाई से सीख दे, पूरी प्लेट फिनिश हो गई है, आपने अभी तक छुआ भी नहीं है उसी। खाओ पूरी तो खा लो। कुछ नहीं खाता है लड़का, कुछ नहीं खाता। तो बस अभी प्रसाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए हम, फाइनली बच्चियाँ मिल गई थी। तो बस अब हम लोग भी फटाफट प्रसाद खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है, मिलती है थोड़ी देर में। हाय गाइस वेलकम बैक। तो सुबह ना प्रसाद जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आ गई, उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद खाया, इतनी तेज़ नींद आ गई ना मुझे। मतलब प्रसाद खाने के बाद जब मैं पूड़ियाँ भी तलती हूँ ना, तो उसका धुआं जो लगता है ना मुझे, उससे भी बहुत ज़्यादा वो होता है। तो बस प्रसाद खाने के बाद मैं सो गई, फिर उठी मैं पूरे एक दो घंटे के बाद, 12:30 बजे के आसपास उठी थी। फिर बनाया लंच, दोपहर का लंच वंच खाया और अभी बज रहे शाम के 5। और आज मैं आपको लेके चलूंगी हमारे घर के पीछे स्टेडियम में हो रहा है दशहरा मेला, काफ़ी बड़े स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है वो। तो वहाँ लेके चलती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ वहाँ पे किस तरीके का मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है, किस तरीके की वहाँ पे रामलीला होती है। रामलीला तो पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज थोड़ा लेट स्टार्ट होता है ना। तो बाकी सब मैं दिखाऊंगी वहाँ पे मेला किस तरीके का क्या है। हम लोग जनरली नहीं जाते हैं वहाँ पे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है उनके साथ, तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं बच्चों के साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पे। इसलिए उत्सव मेरे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ चीनू मेरे साथ जाएगा। तो मिलती हूँ बस मैं आपको सीधा दशहरा ग्राउंड में। सो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम लोग नोएडा स्टेडियम में। ये जो है ना मेन एंट्री जो है गेट नंबर 4 से हैं। इस स्टेडियम के टोटल 5 गेट हैं, बट यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए गेट नंबर 4 से मेन एंट्री है। वैसे तो छोटी छोटी एंट्री आप बाकी गेट से भी ले सकते हैं, बट जो मेन एंट्री व्हीकल वगैरह सब एग्ज़िट और एंट्री के लिए यही वाला गेट लोग सब प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रामलीला ग्राउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर से आपको झूले वूले सब दिखाई दे गए हैं। पार्किंग में आ गए हैं तो फटाफट लगा लेते हैं पार्किंग, और ये लगाई मैंने अपनी स्कूटी पार्किंग में। आ चुके हैं हम लोग रामलीला मैदान में, अभी काफ़ी रश नहीं है, मतलब हम आए जानबूझ के इस टाइम पे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रश था, तो कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था। yes. तो मैं आज लेके आई हूँ, होते होते तो टाइम निकल ही जाएगा, बट चलो करते हैं।
सो पहुंच गए हम लोग दशहरा ग्राउंड में, और यहाँ पे आते ही आपको इस तरीके के ना मिट्टी की कलाकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की वॉल हैंगिंग्स दिए आपको काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अब तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली में ये सब चीज़ें लोग अपने घर की डेकोरेशन के लिए रखते हैं, तो ये यहाँ पे ये सब लगा हुआ था। साथ में इस तरीके के ना टॉयज़, आपको पता ही है दशहरे में रामलीला के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को कितना क्रेज़ होता है, धनुष बाण गदा तलवार वगैरह, तो उस तरीके के सारे टॉयज़ यहाँ पे मिल रहे थे। थोड़े से यहाँ पे क्रॉकरी का वो भी लगा हुआ था, और ये यहाँ पे आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख सकते हो, चूड़ियाँ बैंगल्स की यहाँ पे शॉप लगी थी, और यहाँ पे हम गर्ल्स की फेवरेट यू नो इयर रिंग्स वगैरह और ये नेक से गले के सेट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके की काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे लगी हुई थी, इस तरीके के गॉगल्स की शॉप लगी हुई थी यहाँ पे। बाकी बच्चों के खरीदने लायक ही टॉयज़ वॉयज़ यहाँ पे जाते थे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खरीदने वाला आइटम तो मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे। नोएडा हाट मेला लगता है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा। और बस यहाँ पे मेले में आती हमें मेले वाला फीलिंग आने लग गया था। इस तरीके के झूले यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक नहीं दो नहीं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए काफ़ी यहाँ पे झूले थे। जाइंट व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ना शाम को 5:15 के आसपास आ गए, तो अभी इस टाइम पे रश कम था इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। अदरवाइज़ 6:30 के बाद यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि पूछो मत। यहाँ पे देख सकते हो आप चाट भंडार भी लगा हुआ है, तो मेले में घूमते घूमते थक जाओ तो खाने का भी आनंद ले सकते हो। वैसे मेरी सलाह में तो आप अवॉइड ही करना, क्योंकि इस तरीके के मेलों में एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है खाने पीने की, दूसरा इतनी धूल मिट्टी वगैरह सब उड़ रही होती है, और सारा खाना मैंने जितना देखा ना वहाँ पे सब ओपन था। तो मैं तो जनरली अवॉइड करती हूँ ऐसे मेलों खाना पीना, बट अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, आपको भूख लगी, आपकी जीभ बहुत ज़्यादा लपलप आती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे अगेन फिर वही इसी तरीके के वो प्लास्टिक प्लास्टिक वाले चाइनीज़ वाइनीज़ टॉयज़ की शॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये था वो जाइंट व्हील जिसकी राइड चीनू को लेनी थी, तो चीनू और मैंने दोनों ने ही इसकी राइड ली, आप आगे की वीडियो में देखेंगे, और बहुत मज़ा आया था यार इस राइड को लेने में। तो इस तरीके के ना काफ़ी कोलंबस यहाँ पे था, और ये देखिए आप कितना मतलब एक तो लाइटिंग अभी चीनू और मैं कौन सा करने वाला है, ये इतना जॉइंट व्हील था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने मज़े आए हमें इसमें। और यहाँ से ना जब हम लोग टॉप पे पहुँच गए थे तो ना वहाँ से हमें अपना घर भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारे घर के बैक साइड पे ये दशहरा ग्राउंड है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर कितनी ऊंचाई पे है ना, मैं आपको वहाँ से वीडियो की फुटेज ले रही हूँ कितनी ऊँचाई पर है ये। अभी तो झूले चलने स्टार्ट नहीं हुए थे, बस अभी तक हम ऊपर टॉप पर पहुँचे थे, जब झूले चलने स्टार्ट हुए ना उसके बाद चीनू और मेरी जो हालत हुई कि मैं क्या ही पता नहीं भैया को क्या प्रॉब्लम है, वो बार बार ऊपर आके खड़ा कर देते हैं, पता नहीं कब चलने का, हवा इतनी तेज चल रही है, चीनू डर लग रहा है, हवा ये ओड़ी ओड़ी looking in the mirror so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so I'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need और यहाँ झूले पे ऊपर बैठे बैठे हमें दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के ना पुतले यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। डे वन से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे देखो मैं सबसे टॉप पे हूँ इस टाइम पे, और मैं सबसे टॉप से ये फुटेज ले रही हूँ कितनी ऊँचाई पर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूला कितना ऊँचा था। और
और ये है रामलीला का भव्य स्टेज। इतना बड़ा स्टेज है ना ये, तो मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, अगर आप पास से देखोगे ना इसमें अलग अलग यू नो बैकग्राउंड उनका वो बना हुआ है, और मतलब हर तरीके का, जैसे राजमहल का बैकग्राउंड अलग है, वन का बैकग्राउंड अलग है, मतलब हर तरीके का बैकग्राउंड उसमें है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, इतना कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट ये काफ़ी बड़ा स्टेज बनाया हुआ था और यहाँ सामने सीट होती है। इस टाइम पे अभी रामलीला स्टार्ट नहीं हुई थी, आई थिंक रामलीला 8 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तो तब तक तो हम नहीं रहते हैं वहाँ पे, उससे पहले हम लोग निकल आए थे। और लाइटिंग देखो यार, इतनी सुंदर लाइटिंग थी ना यहाँ पे रात को, इतनी आँखें मतलब इनसे चकाचौंध सी हो रही थी मेरी तो, पता नहीं, बट बहुत अच्छी लग रही थी ये लाइट मुझे। और यहाँ पे उत्कर्ष और उत्सव दोनों को हमने ये वाली राइड करा दी थी, तो छोटे हैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी राइड उत्सव नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने उसको ये वाली राइड कराई और दोनों ने खूब मज़ा किया। एक ये वाली राइड की थी, एक और राइड की थी, उस राइड में मैं बैठी थी दोनों बच्चों के साथ। तो बस इस दिन तो हमने यही दो राइड की थी, फिर नेक्स्ट डे मैंने जो भी शूट किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे यशवंत पूरे मेले में उत्सव को अपनी गोद में लेके ही चल रहे थे, उनको डर लगता है बहुत ही कहीं बच्चा हाथ से छूट ना जाए, विच इज़ नॉर्मल, मतलब होता ही है कि ऐसे मेले में ना एक्चुअली बच्चों का खोने का काफ़ी डर रहता है, इसीलिए यशवंत अवॉइड करता है, नहीं आता, बट आज मेरे कहने पे आ गए तो पूरे रास्ते वो उसको ना बस अपनी गोद में लेके चल रहे थे। और यहाँ हम लोग अब एक नई राइड का वेट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना रश है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये संडे की फुटेज दिखा रही हूँ मैं आपको। How was your experience? एकदम घटिया, पापा ने लेजर लाइट भी नहीं दिलाई। लेजर लाइट छोड़, रश कितना था पापा, इतना रश है भगवान। अब हम लोग जा रहे हैं घर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो थोड़ा सा डर भी लगता है बच्चों के साथ। थोड़ा बहुत एक दो झूला हमने बच्चों को झुलाया और हम लोग सीधा घर निकल रहे हैं, मिलते हूँ सीधा घर पे। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मुझे वहाँ से आए हुए टाइम हो गया, काफ़ी थक गई थी मैं वहाँ से आगे, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे होता है, आप सोचो ये मेला, और मुझे वहाँ से स्कूटी में आने में, मैं और चीनू स्कूटी में गए थे, आने में ही आधा घंटा लग गया, आधे घंटे से ऊपर ही लग गया, इतना ट्रैफिक जैम हो गया था। तो बैरिकेड वगैरह सब लगा दिए थे, ट्रैफिक को रोक दिया था, डाइवर्ट कर दिया था, उस वजह से इतनी हालत ख़राब हो गई ना ट्रैफिक में, और बहुत ज़्यादा रश था। मैंने ना आज की वीडियो में 2 दिन की क्लिपिंग डाली है, हम लोग कल संडे भी गए थे, संडे तो बहुत रश था, आज भी रश था, बट कल के कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। तो कल हम बच्चों को लेकर गए थे, तो हमने बस उनको 2 राइड कराया और हम लोग फटाफट वहाँ से निकल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, इतना धक्के मुक्की सब लग रहा था ना। तो फिर आज मैं और चीनू गए उत्सव को लेकर, मैं नहीं गई, उत्सव अपने पापा के पास ही था। तो चीनू को एक्चुअली जॉइंट व्हील करना था, मुझे भी करना था जॉइंट व्हील, तो हम लोग फटाफट एक राउंड मारा हम लोगों ने और जॉइंट व्हील करके आए। तो देखा आपने कितना ह्यूज दशहरा मेला लगता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार गई थी, एक बार मैं जब शादी करके आई थी नहीं, तो मैंने, मुझे तब देखना था कि कैसा होता है, तो मैंने तब देखा था, उसके बाद मैं अब गई हूँ यहाँ पे, इससे सोचो इतने साल हो गए मैं यहाँ पे देखने ही नहीं जाती हूँ, मतलब हम लोग निकलते ही नहीं है, यशवंत भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत रश होता है यार, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इतना क्राउड होता है, मतलब चलने की जगह नहीं होती, आपको लिटरली धक्के वक्के लगते हैं। तो हम बच्चों की वजह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में हम बच्चों को इस तरीके से नहीं लेके जाते। कल लेकर चले गए थे, फिर सोचा यार क्यों ही लेकर आए होंगे, तो छोटे वाले का ज़्यादा होता है, बड़ा तो उत्कर्ष तो फिर भी काफ़ी समझदार हो गया, तो छोटे वाले का थोड़ा सा लगता है हमें, तो इस वजह से हम लोग ना भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करते हैं। तो बहुत रश था आज भी, और फाइनली हम लोगों ने कर लिया जॉइंट व्हील, उत्कर्ष के तो तोते उड़ गए थे। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यूज़ क्रिएशंस। थैंक यू, थैंक यू।